सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद स्टार्टअप्स पर इसका बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। इसमें भारत समेत दुनिया भर के स्टार्टअप्स शामिल हैं। अनुमान है कि बैंक के दिवालिया होने से 1 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पर भी इसका सीधा असर हो सकता है। नेशनल वेंचर कैपिटल्स एसोसिएशन यानी NVCA के आंकड़ों के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक में 37,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस के खाते हैं, जिनमें $2.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा है। बैंक के दिवालिया होने के बाद ये रकम अब इन छोटे बिजनेसेस को लंबे समय तक नहीं मिलने की आशंका है। पैसा नहीं निकाल पाने की वजह से इनके सामने सैलरी देने का संकट भी खड़ा हो सकता है। इससे 10,000 से ज्यादा छोटे कारोबार और स्टार्टअप्स पर सीधा असर होगा। वहीं अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन ने कहा है कि सरकार सिलिकॉन वैली बैंक को कोई राहत नहीं देगी। हालांकि अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि वो ग्राहकों की जमा रकम को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन $2.5 लाख तक की जमा रकम का बीमा करता है, लेकिन कई कंपनियां और अमीर लोगों के बैंक खातों में इससे ज्यादा रकम है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कई कंपनियों के कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। वहीं सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद भारतीय स्टार्टअप्स इकोसिस्टम की चिंता भी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि वो स्टार्टअप के संस्थापकों और CEO के साथ बैठक करेंगे, जिससे ये देखा जा सके कि संकट के समय सरकार उनकी क्या मदद कर सकती है। चंद्रशेखर ने कहा है कि SVB का बंद होना दुनिया भर के स्टार्टअप्स के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बनकर आ सकता है। दरअसल स्टार्टअप सेक्टर पहले ही काफी मुश्किलों में फंसा हुआ है। 2022 में भारत समेत दुनिया भर के स्टार्टअप्स में छटनी का तेज सिलसिला देखा गया था। यही नहीं, इनको मिलने वाले फंडिंग में भी अब काफी कमी दर्ज की गई है। ऐसे में ये नया संकट भारत में तेजी से उभरते नए सेक्टर्स के सामने एक और नई चुनौती की वजह बन सकता है।